नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र साहनी मुंबई से आया हूँ। sincibasic.com में आपका स्वागत है। एक हम आज कंपोनेंट बनाने वाले हैं केनेट साइकिल से। मैं आपको मशीन पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बोलो कुछ इस तरह करो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे दोनों फ्रेम में नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, सही है। अभी जैसा कि अभी प्रोग्राम जो है नरेंद्र जी का बनाया हुआ है, इन्होंने प्रोग्राम को चलाया है, तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि हमारा एक एल्युमिनियम का जो था एक सरिया है, तो उस एल्युमिनियम के सरिये की उस बार की हमने क्या करी है, एक पार्टिंग करी है। तो इसके लिए क्या किया है नरेंद्र जी, हमने कैनेट साइकिल से प्रोग्राम बनाया था। ओके, तो इसको बना के और हमने एक बार में ही सबको पार्टिंग कर दिया। तो चाहे आप माइल्ड स्टील हो, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, या कोई भी ऐसा मटेरियल हो जिसका आप पार्टिंग करना चाहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या किया, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने टूल टैलेट पे क्या किया, पहले इसकी बटिंग करी है कि स्टॉपर बनाया है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करी है। उसके बाद क्या किया, इसको हमने पार्ट किया, और पार्ट किया, पार्ट के लिए आपने टूल दे दिया। कौन सा टूल यूज़ किया हमने? पार्टिंग टूल यूज़ किया हमने। उसकी डेप्थ हमारी कितनी थी? 5 मिनट की डेप्थ थी। तो ये इस तरीके से हमने एक छोटा सा जो है ये बनाया है। ये काफ़ी यूज़ होने वाला प्रोग्राम है। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या है कि जो कंपोनेंट की बटिंग है, जो कंपोनेंट की रेस्ट है, जो रेस्टिंग हम बनाते हैं, वो कई बार क्या होता है, हम चक पे नहीं बना पाते, चक पे उसका रेस्टिंग पोजीशन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम टूल टरेट पे इसकी बटिंग बनाते हैं। तो टूल टरेट पे हमने रेस्टिंग ली है इसकी, और फिर हमने पार्टिंग किया। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोनेंट बनाया है। एल्युमिनियम होने की वजह से इसका चिप ब्रेक नहीं हो पाया, क्योंकि एल्युमिनियम का मटेरियल जो है उसकी टेंडेंसी जो होती है वो नॉन ब्रेकेबल होती है, वो टूटती नहीं है जल्दी, और कूलेंट का यूज़ नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। बट इट इज़ आफ्टर ऑल बिल्कुल ओके था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और ये हमारे स्टूडेंट का बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि जब स्टूडेंट खुद ये बनाते हैं तो इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बनता है अपने में। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत दूर से आए हैं आप, और आपने इस तरीके का कंपोनेंट बनाया है। ये हमारे क्लास में बैच में सबका बनाया हुआ प्रोग्राम था, जो हमने मशीन पर चलाया है, मशीन पर चलाया। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है मशीन के ऊपर देंगे। ठीक है, यहाँ पे खुद से आप खुद से यहाँ पे मशीन पर खुद चला के खुद अपने हाथों से करके सीखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।